मामला जनपद बिजनौर के थाना नांगल क्षेत्र का है, जहां अपने ही सगे भाई का बंदूक के बल पर अपहरण करके ले जाया गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम जांच में जुट गई। बता दें, पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार और बाइक को रोकने का प्रयास किया और वहीं पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार करा। आरोपी कपिल ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सौरभ अग्रवाल उसका चचेरा भाई है और कहा कि कुछ समय पहले वो दहेज हत्या में 10 साल की सजा काटकर जेल से रिहा हुआ है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसने अपने भाई का अपहरण कर 5 लाख रुपए फिरौती की योजना बनाई थी। वहीं घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी डायरेक्टर प्रवीण रंजन ने बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से गाड़ी और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। अनुज अग्रवाल, जो कि नजीबाबाद कस्बे के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अपने भाई के अपहरण की सूचना दर्ज कराई गई। सूचना प्राप्त होते ही नांगल पुलिस तत्काल सक्रिय, सभी जगह नाकाबंदी की गई। नांगल पुलिस को आलमपुर पुलिया के पास एक मोटरसाइकिल और एक मारुति कार रोकने का जब उन्होंने प्रयास किया तो उसमें बैठे व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, फायर किया, घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया।